ओम नमो नमः भगवद गीताया सुधी पाठकेभ्यो जय श्री कृष्ण। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक से आगे का पारायण करते हैं। आइए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम अव्ययम्। बहुत महान श्लोक है। समाज की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसका प्रतिपादन करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो चतुर्वर्ण, चार वर्णों का जो समूह है, चतुर्वर्ण तो भाववाचक बनेगा चातुर्वर्ण, यह जो चार व्यवस्थाएं हैं, एक का कार्य पठन पाठन स्वाध्याय, दूसरे का कार्य रक्षण, तीसरे का कार्य पोषण और चतुर्थ का कार्य आगमन निगमन पूर्वक सेवा कार्य। तो ये जो चार वर्णों का जो मेरे द्वारा सृजन किया गया है, मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उनके गुणों और उनके कर्मों के विभाग पूर्वक चार वर्णों का जो समूह है और उनके गुण और उनके कर्मों के विभाग पूर्वक ही मेरे द्वारा सृष्टम इति किम रचितम किया गया है। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि, मुझे उसका कर्ता समझते हुए भी अव्ययम मां अकर्तारम विद्धि, उसका कर्ता होते हुए भी हे अर्जुन मुझे तुम, मुझ अव्यय को अकर्तारम विद्धि तुम मुझे अकर्ता समझो। मैं समाज का निर्माता होते हुए भी स्वयं अकर्ता हूँ अर्जुन, मैं अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन स्वयं किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अधिक व्याख्या न करके ये कहा जाए कि वेदों में भी कहा गया है कि पुरुष सूक्त के 90वें सूक्त का मंत्र है, दशम मंत्र, कि ब्रह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यकृत उरु तदस्येदवश्य पदभ्यम शुद्रो जायत। तो चार व्यवस्थाएं उस समय थी जो कर्मणा थी, कर्म आधारित थी। भारत में अनेक प्रकार के विदेशी आक्रांत आए, उनके बाद दुर्भाग्य से व्यवस्था जन्म न हो गई। तो कर्म आधारित व्यवस्था, जैसा जिसने जो कर्म अपनाया प्रथम, वह उस वर्ण में ढल गया। तो उसमें कहा गया है वेदों में, ऋग्वेद में के 90वें सूक्त में दशम मंडल के, कि ब्राह्मण इस वेद पुरुष का मुख मंडल है, मुख है जहाँ से स्वाध्याय होता है, पठन पाठन होता है। तो आज के युग में इस मुख से पठन पाठन स्वाध्याय करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण हुआ, यही तो अर्थ हुआ ना। यह ब्राह्मण कर्म का प्रतिपादन, जन्म से नहीं, जन्म उसका कोई जाति नहीं अर्थ। ब्राह्मणों से मुख बाहु राजन्य कृत, बाहु दोनों बाहु से राजन्य अर्थात प्रशासन, शासन प्रशासन, रक्षण पोषण इत्यादि करने वाली दूसरी व्यवस्था, और उरु तदस्य यद वैश्य, जो उरु जो जंघाएँ हैं वो वैश्य हैं, और पदभ्यम शुद्र अजायत, पैरों से जो आगमन निगमन, जो महान जो कार्य है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, तो उसका उसके लिए शुद्र का प्रतिपादन हुआ। हालांकि वर्तमान में इस शुद्र शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या नहीं होती, किंतु ये चारों उस वेद पुरुष का ही हिस्सा है। यहाँ तक कि छंद को भी वेद पुरुष का पैर कहा गया है, छंद पादौ तो वेदस्य, छंद के बिना तो संस्कृत का श्लोक चलेगा ही नहीं, कैसे गाया जाएगा। जब छंद को भी वेद पुरुष का पैर कहा गया, उसी प्रकार ब्राह्मण को मुख, क्षत्रिय को दोनों कंध भुजाएं, वैश्य को जंघा और पैरों को शूद्र, अर्थात एक ही वेद पुरुष में इन चारों प्रकार के रूप का स्वरूप का प्रतिपादन करके भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को इसी भाव का बोध कराते हुए कहा है, जिसका अर्थ है कि सामाजिक व्यवस्थाएं मेरे द्वारा बनाई हुई है, हे अर्जुन मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तू मुझे अविनाशी को, मुझे अविनाशी को अकर्ता समझ, कितना महान है। तो
बहुत महान संदेश है भगवान कृष्ण का। ये सारा संसार, चाहे वो गुण कर्म में देखें, चाहे गुणों में देखें या कर्म में देखें, ईश्वर का बनाया हुआ है। किंतु आज वर्तमान में जाति, धर्म, भाषा आदि पर जो रक्तपात होता है, हिंसा होती है, उसको लेकर के भगवान कृष्ण का सीधा सीधा आशय है। हमें बहुत बड़ा संदेश लेना चाहिए और मानव मात्र के तात्विक भाव को देखना चाहिए, यही श्लोक का आशय है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर्न सबध्यते। हे अर्जुन, कर्माणि में न लिम्पन्ति, मे कर्म फले स्पृहा नास्ति, न तो कर्मों के फल में मेरी स्पृहा अर्थात इच्छा है किसी प्रकार की, और न ही कर्म मुझे लिम्पन्ति, लिम्पन्ति का मतलब लिप्त करते हैं, मुझे बांधते नहीं हैं, मुझे स्वयं को ये कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, संलिप्त नहीं करते। इति माम यो अभी जानाति, जो व्यक्ति मुझको इस प्रकार से अच्छे तत्व से जानता है, जो साधक, जो धर्मनिष्ठ प्राणी, कर्म भी न सबध्यते, स कर्म भी कदापि न बध्यते, वह कर्म और कर्मफलों से कभी नहीं बंधता है अर्जुन। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यहाँ श्रेष्ठ प्रतिपादन किया है कर्म के रूप में। पंचदश श्लोक से पारायणम कुर्यामः वयम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हे अर्जुन, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जान करके, इस प्रकार जो जान करके कृतम करता है कर्म, पूर्वै अपि ही मुमुक्षुभिः, अर्थात पूर्वै ही, पहले प्राचीन काल में, पहले मुमुक्षुओं ने, मोक्ष के लिए साधनारत मुमुक्षुओं ने पूर्व में, प्राचीन काल में, पूर्व काल में भी इसी प्रकार मुमुक्षुओं ने, अनेक मोक्ष साधकों ने इस प्रकार एवं ज्ञात्वा कर्मम कृतम, इसी प्रकार जान करके अनेक कर्म किए हैं, विविध कर्म किए हैं। इसलिए कुरु कर्म एव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्, इसलिए तुम भी अर्जुन, तुम भी पूर्वै ही पूर्वतर कृतम, पूर्वजों द्वारा हमेशा किए जाने वाले जो कर्म हैं, तुम कर्म करो, तुम भी वैसे ही कर्म करो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्म अकर्म इति, किम कर्म इति किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है क्या अविधि है, तो कर्म और अकर्म के विषय में अत्र कवयः अपि मोहिताः सन्ति, कवयः अपि मोहिताः, अर्थात कर्म और अकर्म के विषय में, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस विषय में क्रांत दृष्टा कवि भी मोहित हुए हैं, अर्थात निश्चित निर्णय करने में समर्थ नहीं हुए हैं, बुद्धिमान लोग भी संदिग्ध रहे हैं इस विषय में, बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं कवि भी इस विषय में। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्षामि, इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए उस कर्म का प्रवचन करूंगा, वक्ष प्रवक्षामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिसको जान करके तुम हे अर्जुन अशुभात मोक्ष से, तुम अशुभ से, अमंगल से मुक्त हो जाओगे। अशुभ जो अर्थात कर्म को बंधन है, वो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे अर्जुन, यही आशय श्लोक का। सप्तदश श्लोक। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणः अपि बोधव्यम विकर्मणः अपि बोधव्यम अकर्मणः च बोधव्यम। एक श्लोक में तीन स्वरूप हैं, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म।
कर्म का तात्पर्य क्या करना चाहिए, अर्थात कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसको भी बोधव्य विधि जानना चाहिए। बुध धातु में तव्यत प्रतिलेख से बोधव्यम बनता है, चाहिए तुम्हें कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, मनुष्य को विकर्म का स्वरूप भी जानना है। विकर्म यदि विशिष्ट कर्म, कर्म से विशिष्ट है वो भाव है जिसका वो विकर्म है। अकर्म और क्या नहीं करना है, क्या अकर्म है, इसको भी जानना चाहिए, अकर्म क्या है वो भी। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्मण गति गहना। हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, गहन से तात्पर्य न्यारी है, बड़ी विचित्र गति होती है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म को अवश्य जानना चाहिए। अष्टादश श्लोक। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत कर्म कृत। विग्रह करेंगे श्लोक का। कर्मणि अकर्म यह पश्येद, जो अकर्म में कर्म को देखता है, कर्मणि च कर्म यह, और जो पश्येत के बाद अकर्मणि शब्द आएगा, पश्येत अकर्मणि, जो अकर्म में कर्म को देखता है, अर्थात जो मनुष्य कर्म में तो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। यहां विवेक बुद्धि से, विवेक बुद्धि का आशय है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब कर्म करते हुए अकर्मों से सावधान रहना और अकर्मों में भी कर्म को देखना, अभाव में भी भाव को ढूंढने की एक जीवरता होनी चाहिए। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्येषु सबुद्धिमानः, मनुष्यों में वह बुद्धिमान है अर्जुन, सह युक्त, वह युक्त है, समत्व वियोग से संपन्न है, समत्व बुद्धि संपन्न है वह व्यक्ति, और कृत्स कर्म कृत, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है वह व्यक्ति, वही व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को कर सकता है, वही समत्व योगी, निश्चयात्मक बुद्धि संपन्न, विवेकी, स्थित प्रज्ञ, बुद्धिमान है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। एकोनविंशति श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। भगवान कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सभी जो कार्य है, शास्त्र सम्मत कर्म है, वो बिना काम वर्जिता संकल्प वर्जिता भवन्ति। यस्य, जिस साधक के, जिस मनुष्य के, यहां कर्म शब्द नहीं है, लेकिन कर्म क्यों, चूंकि कर्म छठा अध्याय है, यहाँ कर्म बार बार नहीं आएगा, हमें सूत्र रूप में उसको हर श्लोक पे लेना पड़ेगा। यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात होते हैं क्या कार्य, काम वर्जिता संकल्प वर्जिता, जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्रोक्त कर्म है वह काम से वर्जित है, इच्छा से, अर्थात फल फलाभाव फलदृष्टि से वर्जित होते हैं, बिना फलेच्छा के और बिना संकल्प के होते हैं। और तीसरी पंक्ति क्या है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं, और जिसके समस्त कर्म हैं वे ज्ञान अग्नि से दग्ध, अर्थात ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हो गए, भस्म हो गए हैं, जिसके संपूर्ण कर्मफल ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो गए हैं। तमाहु पंडितः बुधः, बुधः तम पंडितः आहु, विवेकी ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। तो इस श्लोक में एक बार फिर से पंडित का तात्विक निरूपण हुआ है। वास्तव में ज्ञानी लोग पंडित किसे कहते हैं, महापुरुष या ज्ञानी पंडित किसे कहते हैं, जिसके सारे शास्त्रोक्त कर्म हैं वो काम वर्जित है, संकल्प वर्जित है, और
ज्ञान रूपी अग्नि में जो दग्ध हो चुके हैं, अर्थात जलने का मतलब ये नहीं कि खाक हो गए हैं, फलेच्छा से ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसके कर्मफल दग्ध हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति ही पंडित है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से पंडित का तत्वार्थ समझाया है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। 20वां श्लोक है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय का। हे अर्जुन, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, जो कर्मफल की जो आसक्ति है, जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, त्यक्त्वा इति त्याग करके, कर्मफलासंगम कर्मफल की आसक्ति को हमेशा त्याग करके नित्य तृप्त हुआ। नित्य तृप्ति का आशय है संतुष्ट, हमेशा पूर्ण रूप से संतुष्ट, परमात्मा पे नित्य तृप्त होना, निराश्रय होना, अर्थात संसार के आश्रय से रहित हो जाना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा है, वह कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्मों में अभिप्रवृत्त होता हुआ भी, कर्मों में वर्तमान रहता हुआ भी, नैव किंचित करोति सः, अर्थात कर्मों को भलीभांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति सही मायने में कर्मठ, और जैसा भगवान कृष्ण ने यहाँ कर्मयोगी शब्द दिया है उसके लिए वही कर्मयोगी है, जो कर्मफला शक्ति को छोड़ करके नित्य तृप्त होकर निराश्रय होकर के कर्मों में अभिप्रवृत्त रहता है। 21वां श्लोक देखते हैं। निराशीर्य चित्तात्मा, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। यहाँ निराशीर्य शब्द है, निराशीर्य चित्तात्मा, जो अर्थात ऐसा साधक जो निराशी, आशावहित, जिसका जो चित्तात्मा का तात्पर्य है जिसका अंतःकरण त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात जिसने त्याग दिया है समस्त एकत्रित की हुई सामग्री का परित्याग, समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, निराशीर्य चित्तात्मा। चित्तात्मा से अर्थ है जिसका मन और इंद्रियों सहित, इंद्रियों के सहित शरीर जिसका जीता हुआ है, विजित है, जिसने सर्व परिग्रह त्यक्त भोग की सभी सामग्रियों को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया है, ऐसा निराशी अर्थात आशा रहित, ऐसा निराशी पुरुष, आशा रहित पुरुष शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन, केवल शारीरिक रूप से शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी किल्बिषम न अपनोति, फिर कभी पाप को प्राप्त नहीं होता है। शरीर कर्म शरीर है, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, पहले भी कहा है ना शरीर यात्रा भी न सिद्धे, तो लेकिन इसके लिए तीन हैं, तीन शर्तें भगवान ने कही हैं। एक तो पहला है त्यक्त सर्व परिग्रह, संपूर्ण भोगों की सामग्री का त्याग करके निराशीर्य आशा रहित होकर के केवल शरीर कर्म करते हुए जो साधक अंतःकरण और इंद्रियों के सहित अपने शरीर को जीत करके जो लगा हुआ है उसको कभी पाप नहीं लगता है किसी प्रकार का। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। 22वां श्लोक है, भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ से जो संतुष्ट है, अर्थात अपने आप प्राप्त हुए, यदृच्छा लाभ का मतलब है अपने आप, जो मांगा वो मिल गया, यदृच्छा लाभ है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अर्थात अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में जो संतुष्ट है, जो द्वंद्वातीत है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत है, ऊपर है, जो विमत्सर है अर्थात मत्सर से रहित है, ईर्ष्या का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, मत्सर इसका भाव शब्द बनता है मात्सर्य, तो
जो यदृच्छा लाभ से संतुष्ट है, द्वंद्वों से अतीत है, परे है, जो मत्सर से रहित है, समह सिद्धा सिद्धौ असिद्धौ च, जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव रखता है, सफलता और असफलता में जो समभाव रखता है, ऐसा कर्मयोगी कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करता हुआ भी कर्मों में बंधता नहीं है। कर्मों में बंधने का तात्पर्य उसके परिणामों से बंधा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, तो वह बार बार जन्म मृत्यु को पाता रहता है। तो यहाँ मुक्त होने का, जीवन मुक्त का एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया है 22वें श्लोक में। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य, यस्य संगः गतः, जिसकी आसक्ति, संगीति आसक्ति गत अर्थात जा चुकी है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, ऐसा ज्ञानावस्थित चेतसः, जो फिर एक शब्द और मुक्तस्य भी है, मुक्त का तात्पर्य है ममता से रहित हो गया है, मुक्त हो गया है। मुक्त किससे? देह से, अर्थात जैसे शरीर का अभिमान, देह अभिमान से जो रहित हो गया है, जो शरीर के प्रति जिसकी कोई ममता नहीं है, और जो ज्ञानावस्थित चेतसः, अर्थात जिसका चित्त ज्ञान में ही अवस्थित है, अर्थात परमात्मा रूपी ज्ञान में जिसका चित्त रहता है, ऐसा व्यक्ति यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञार्थ कर्मों को करता हुआ, आचरण करता हुआ, समग्रम प्रविलीयते। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते, अर्थात भलीभांति विलीन हो जाते हैं। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि चार प्रकार की बातें बताई, एक तो गतसंग, मुक्त, ज्ञानावस्थित चित्त वाला, और यज्ञाचरण। यज्ञाचरण का तात्पर्य यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ प्रतिज्ञा तीसरे अध्याय में जैसे बताया भगवान ने, यज्ञार्थ कर्म का तात्पर्य है त्याग के लिए कर्म, तेन त्यक्तेन वंचिता, लोक कल्याण के लिए त्याग करते हुए भोग करने का कर्म यज्ञ कर्म। तो इस प्रकार कर्म करते हुए व्यक्ति उसके जो कर्म हैं वो पूरी तरह से भली भांति अच्छे प्रकार से विलीन हो जाते हैं, अर्थात कर्मफल का दोष ऐसे साधक को नहीं लगता है। अगला श्लोक है, ये महान श्लोक है भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय का, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्मगुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कितना महान श्लोक है। पहले इसका अर्थ करते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम, कर्म समाधिना ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म एव ते। कितना महान, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस यज्ञ में, यहाँ सारी बातें यज्ञ की ही हैं, जिस यज्ञ में ब्रह्म अर्पणम, अर्पण, अर्पण का तात्पर्य है जो हम यज्ञ में जो उपकरण होता है चम्मच नुमा काष्ठ निर्मित, उसको श्रुवा कहते हैं। तो श्रुवा आदि जो हवि है, श्रुवा आदि जो अर्पण है, श्रुवा से जो अर्पण होता है वो जिसमें ब्रह्म है, अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण ब्रह्म है, ब्रह्म हवि, अर्थात जो हवि है, हवन आदि किए जाने योग्य जो द्रव्य है उसमें जो भी होता है घी शाकल्य आदि, वह भी हवि ब्रह्म है, श्रुवा आदि उपकरण भी ब्रह्म है, अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, अग्नौ अर्थात ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, इसका तात्पर्य कि ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। जिस यज्ञ में, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले, ब्रह्म कर्म समाधिना, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले समाधि योगी के द्वारा जो प्राप्तव्य है, गंतव्य का मतलब है प्राप्तव्य, जो प्राप्त करने योग्य, जो उसकी फलश्रुति है, ब्रह्म एव, वह भी ब्रह्म है, जो उस योगी के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य फल है वह भी ब्रह्म ही है। इसका तात्पर्य हम थोड़ा सा समझते हैं,
भगवान आदि शंकराचार्य ने इस कारिका की बहुत महान और विस्तृत व्याख्या की है। इस श्लोक का मेरे पास भगवद गीता आचार्य सती मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इसी की एक भगवद गीता के 700 श्लोकों में जो श्रेष्ठ श्लोक हैं, श्रेष्ठ सूक्तियाँ हैं, उनको आचरण धर्म की दृष्टि से एक श्रेष्ठ पुस्तक का प्रयास किया गया था मेरे द्वारा। 2018 में उसका संपादन हुआ। यह वह पुस्तक है और इसमें ऐसे श्लोकों का बहुधा विभिन्न भाष्यकारों टीकाकारों का आशय लेकर के मैंने यहाँ उनका संकलन किया है। इस पर आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं इसको भी बताना आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में अनेक तर्क अनेक शंकाएं आई हैं। इसको किस रूप में लिया जाए, क्योंकि अद्वैतवादी शंकराचार्य उन्होंने आध्यात्मिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, तो ज्ञानमार्गी शंकराचार्य ने इस श्लोक में कहा है कि कर्ता कर्म विधि साधन ये सब जिसे ब्रह्म रूप में प्रतीत होते हैं उसको सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देता है। ऐसा ब्रह्म दिखाई देने के कारण वह स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। अर्थात संपूर्ण जगत में और संपूर्ण व्यवहार में जिसको परमात्मा का रूप दिखाई देता है वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो यहाँ आत्मा से परमात्मा की जो लक्ष्य है वह प्राप्त करने का है महान, यह श्लोक आज संदेश देता है। इस श्लोक के बारे में हमें महर्षि अरविंद का कथन भी अवश्य यहाँ कहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, महर्षि अरविंद ने कहा है कि ज्ञान के साथ किया हुआ कर्म ब्रह्म रूप में समाधि रूप हो जाता है। उसका लक्ष्य कोई भौतिक सुख न होकर स्वयं ब्रह्म ही होता है, ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा है। हमें इस विषय में कुछ और भाष्यकारों की टिप्पणियाँ भी आती हैं, लेकिन इसका संक्षेप में जो यज्ञ से इसका कोर संबंध बताया गया है वो ये है कि यज्ञ की क्रिया, यज्ञ की शक्ति, यज्ञ के में घी आदि जो द्रव्य है, यज्ञ का होता भोक्ता, यज्ञ का लक्ष्य उद्देश्य सब एकतम ब्रह्म है। यह वह ज्ञान है जिसे प्राचीन काल में वेदांत के महाकाव्यों में इसका बहुत बहुधा वर्णन हुआ है और अनेक वाक्य निकल के आए हैं अद्वैत वेदांत में, वेदांत दर्शन में। जैसे सोहम, सोहम को तो मेडिटेशन ध्यान के महान गुरुओं ने उसको अपनी श्वास की गति का आधारभूत वाक्य बना दिया। सोहम 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 का तात्पर्य है वह मैं हूँ, वह जो परमात्मा है वह मेरे अंदर है, वह मैं हूँ सोहम। एक और वाक्य है सर्व खल्विदम ब्रह्म, सर्व इदम ब्रह्म खलु, खलु का निश्चित ही यह संपूर्ण जो है वह सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। और साधक इस प्रकार ज्ञान द्वारा अपने अंदर ब्रह्म की अनुभूति करके गुरु अपने शिष्य को कहता कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो महान अद्वैत वाक्य हैं यह पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। यहाँ एकतम जो ब्रह्म है कर्ता कर्म करफल कर्मफल के रूप में ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्त होता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी ही तो त्रिपुरा है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी भी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय साधना साध्य और साधक इसकी त्रिपुटी है, अर्थात परम ब्रह्म का प्रतीक है। शक्तिमान और शक्ति दोनों एक ही हैं, क्योंकि महान अद्वैत वेदांती शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिख करके भगवती त्रिपुरा सुंदरी के द्वारा उन्होंने अद्वैत मार्ग का प्रतिपादन किया। ऐसा महान हमारे यहाँ शास्त्रों का प्रणयन हुआ है। तो मैं यहाँ इस श्लोक के बारे में अंत में फिर यही कहना चाहूँगा कि वह केवल एकदम दिव्य पुरुष पुरुषोत्तम है जो कि स्वयं अपनी सत्ता में अपनी देवी प्रकृति के द्वारा कर्म किया करता है। तो इस प्रकार कुछ भागवत के ये प्रसंग हैं जिसको मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। इस संपूर्ण ईश्वर संचालित क्रिया का लक्ष्य होता है जीवात्मा का उस ईश्वर के साथ एकीभूत होकर के उसकी दिव्य सत्ता और चेतना को जानना और अधिगम करना, अधिकृत करना, मुक्त होना। ये विद्या और अविद्या के रूप में भी इसका बकायदा बखान होता आया है।
तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवत गीता है और ये भी भगवान वेदव्यास की लेखनी से ही निश्चित है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी वेदव्यास भगवान वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन बादरायण की लेखनी से ही निश्चित है। तो आज 24वें श्लोक का हम यहीं पर उपसंयमन करते हैं, पुनः अगले खंड में चतुर्थ अध्याय के श्लोकों का पारायण लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायणाय।